हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है, मैं उन सबको बता दूं कि मैं पिछले 4 साल से माल्टा में रह रहा हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड ही, स्पेशली वर्क परमिट के ऊपर या फिर जो है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको अपना CV या कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है और इवन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेंजर पर भी। मैसेंजर फेसबुक का लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, आज जो है बहुत बढ़िया न्यूज़ है और हालांकि मार्केट में पहली आ चुकी है 10-12 दिन पहले, बट स्पेसिफिक डेट नहीं पता थी किसी को। तो मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, जो मेरे पास ईमेल आया आइडेंटिटी माल्टा का, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब कुछ लिखा पड़ा है आइडेंटिटी माल्टा से मेल आया कि 4 अगस्त को। ये गुड न्यूज़ बांग्लादेशी भाइयों के लिए है। ढाका में जो पहले बांग्लादेशी भाई वीज़ा अप्लाई करने आते थे माल्टा का, इंडिया में है ना, इंडिया में रहते थे, स्पेंड करते थे पैसा और उसके बाद फिर कभी रिजेक्शन भी आता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है ढाका में माल्टा VFS खुलने वाला है और बहुत जल्दी वो स्टार्ट करने वाला है। बात आती है कब, विच डेट, यानी स्पेसिफिक डेट, जो कि अभी आज तक नहीं पता किसी को भी मार्केट में कि कौन सी डेट में वो जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो डेट विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 4 अगस्त वो डेट है, वो लकी डे है जब ढाका VFS एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा एप्लीकेशन बांग्लादेशी नेशनल्स की माल्टा के लिए। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, तहे दिल से मैं बधाइयाँ देता हूँ सारे बांग्लादेशी भाइयों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनका वापसी कर दी थी सारी फाइल्स विदाउट एनी रीज़न। और पिछले दिनों जो रूमिन गाउची है, जो VFS हाई कमिश्नर है, वो माल्टा के VFS जो माल्टा के जो एम्बेसडर है जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अभी अपना फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे बांग्लादेशी से। तो कुछ एक्सपेक्टेशन पहले ही थी और वो न्यूज़ अब फाइनली आ गई है और आइडेंटिटी माल्टा ने मुझे मेल कर दिया है। तो 4 अगस्त से वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशंस। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो पूछे थे प्रीमियम डिवीज़ा का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, तो उसके बारे में मैंने पूछा है नेपाली भाइयों के लिए, नेपाली भाइयों के लिए और इंडियन भाइयों के लिए। वो जो है उन्होंने मुझे एक शीट भेजी है आइडेंटिटी माल्टा ने, उसमें सारी डिटेल्स देनी है आपके एम्प्लॉयर को, आपके एम्प्लॉयर को मेल करनी है और वो डिटेल्स भरेगा आपकी सारी। ये तभी हो सकता है जब आपके पास प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया हो। अगर आपका अभी तक प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर नहीं आया तो प्लीज़ आप वेट कीजिए यार, है ना। जब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाए तो फिर आप प्रीमियम डिवीज़ा की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट आपका एम्प्लॉयर सेंड करेगा ईमेल आइडेंटिटी माल्टा को, उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा रिप्लाई करेगा, उसमें शीट देगा, एक्सेल शीट। वो एक्सेल शीट भी आपको मैं दिखा दूँगा वीडियो में ही इसके बाद, थोड़ी देर बाद। तो उसमें सारी डिटेल्स भरनी है आपको एम्प्लॉयर को और जो है फिर जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे जूम मीटिंग के थ्रू मेरे ख्याल से, या टीम्स मीटिंग जो भी है। तो ये पूरा प्रोसेस है और चलिए मैं आपको एक्सेल शीट में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वो मेल भी दिखाता हूँ और वो जो है एक्सेल शीट भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो यस्टरडे कल की ईमेल आई है और आप देख सकते हो नाम दे रखा है रिगार्ड्स में, लास्ट में सेंट्रल वीज़ा यूनिट क्लरिकल ऑफिसर गिनित गाठ जो भी है, और इसमें लिखा हुआ है डियर सर मैडम, करेंटली IMA टुगेदर विद MFET इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज फॉर नेपालीज एंड इंडियन नेशनल्स इन इंडिया एंड नेपाल रिस्पेक्टिवली। एम्प्लॉयज हैव अ वैलिड हु हैव अ वैलिड अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर इशूड बाई IMA। IMA इज, मैं आपको बता दूँ, आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी है and are waiting for either an appointment with VFS or else have an appointment set in the coming months are to be inputted in the attached sheet so that they can given an appointment in the coming days। तो मैं शीट खोल के दिखा दूँगा कि वो शीट क्या भेजी है उन्होंने, और उसमें लिखा हुआ इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द अटैच लिस्ट इज फिल्ड इन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल एंड फॉरवर्ड बैक टू आवर यूनिट, वी विल देन बी शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट इन द कमिंग वीक रिगार्डिंग बांग्लादेशी नेशनल्स। ध्यान से सुनिएगा, रिगार्डिंग बांग्लादेशी नेशनल्स, द VFS इन ढाका विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग वीज़ा एप्लीकेशंस फ्रॉम 4th of August। मैं हाईलाइट कर दूँ इसको, ये देख लीजिए 4th of August, 4 अगस्त को स्टार्ट कर देगी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना VFS जो है ढाका में, एंड देयरफॉर यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट अस क्लोजर टू डेट फॉर फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, VFS खुल गई है ढाका में
मतलब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी 4th of August से। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बांग्लादेशी भाइयों के लिए। अब मैं आपको दिखा दूँ वो एक्सेल शीट जो उन्होंने मुझे भेजी थी, आइए। तो ये एक्सेल शीट आपके एम्प्लॉयर भरेगा, यहाँ पर कंपनी नेम लिखेगा, कंपनी की ईमेल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, और यहाँ पर टाइटल जो भी है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट एक्सपायर डेट क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ठीक है जी, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या है, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डायल कोड, ईमेल एड्रेस क्या है एम्प्लॉई का। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका जो है एम्प्लॉयर वो सेंड करेगा ईमेल। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सी ईमेल पे सेंड करना है। तो वहाँ पे सेंड करने के बाद जो है फिर आइडेंटिटी माल्टा जो है आपको लिंक सेंड करेगी, अपॉइंटमेंट देगी और जो है आपका इंटरव्यू लेगी। तो ये पूरा प्रॉपर पूरा सिस्टम है, मैंने आपको समझा दिया है। ईमेल एड्रेस में बता दूंगा किस ईमेल एड्रेस पे भेजना है, और उसके बाद जो है आप इवन इसका भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं आप, gwyneth.gard@gv.mt। ये तो स्पेसिफिक पर्सन का है, और आपको मैं एक कॉमन एड्रेस दे दूंगा ईमेल एड्रेस जहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यार प्लीज़ 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 मेल कर सकते हैं कभी भी, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और अगर नहीं रिप्लाई कर पाया तो प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा रिमाइंडर भेज दीजिएगा, और मैसेंजर पे मुझे जो है आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं वीडियोस अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए अभी कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे कृष्ण।